नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी हैट्रिक के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशों में है तो कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो सीटें मिली उसकी बुनियाद पर वो स्वाभाविक तौर पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। हरियाणा में अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने में पार्टियां जुटी हैं और अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही हैं। बदले सियासी समीकरण के बीच बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही कई रीजनल पार्टीज भी चुनावी रण में हैं और इसीलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। हरियाणा के चुनावी रण में किसका पूरा हो गया प्रण, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, हरियाणा रहा नहीं आसान। हरियाणा विधानसभा चुनाव, मतदाता पर किसका प्रभाव, महाजीत की महातैयारी, बीजेपी में खट्टर को जिम्मेदारी, दलित वोटरों का रहेगा अहम रोल, कांग्रेस भी लगा रही जोर, जेजेपी इनेलो की जोर आजमाइश। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी नया समीकरण गढ़ने की कोशिशों में है। इसके लिए बकायदा वोट बैंक की पूरी सूची तैयार हो गई और उन वोटर्स पर फोकस किया जा रहा है जो लोकसभा चुनाव में पार्टी से छिटक गए थे। कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन करने का फैसला इसी के तहत किया गया। कांग्रेस भी इस चुनाव को अपनी साख बचाने का मौका मान रही है और उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति में किसी भी तरह की कोई भूल चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ रही। भाजपा ने लोकसभा चुनावों से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सत्ता की बागडोर सौंपी। नए मुख्यमंत्री ने आते ही योजनाओं का पिटारा खोल दिया है और उनकी कोशिश ये है कि नई योजनाओं का लाभ जनता को सीधा मिले और वो भी चुनावों से पहले। हरियाणा का सियासी घमासान। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार हरियाणा में सियासी माहौल बदला हुआ है और इस बदले हालात में बीजेपी के लिए अपनी जीत को बरकरार रखते हुए हैट्रिक पूरा करने के लक्ष्य को हासिल करना है। वहीं कांग्रेस के लिए ये मौका है कि वो अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करे और खुद को जनाधार वाली पार्टी के तौर पर स्थापित कर सके। बीजेपी और कांग्रेस के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और दोनों ही पार्टियों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए राज्य के दलित वोटरों को अपने पाले में करने का मेगा प्लान बनाया है और इसके लिए बकायदा कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है जिसकी जिम्मेदारी राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को सौंपी गई है। इसमें 15,000 से ज्यादा दलित समुदाय के लोग बुलाए जाएंगे जिनमें 10,000 पुरुष और 5,000 महिलाओं को लाने का टारगेट रखा गया है। दलित समुदाय से सीधे कनेक्ट के लिए इसमें महिलाएं या संकल्प लोटा महिलाएं महासम्मेलन के चीफ गेस्ट मनोहर लाल खट्टर को सौंपेंगी। बीजेपी ने इस मुहिम को मनोहर लाल का परिवार नाम दिया है जिसे चुनाव में भी भुनाया जाएगा। ओबीसी बिरादरी के नए सीएम नायब सिंह सैनी अपनी बिरादरी को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उन्होंने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने सहित कई दूसरी अहम घोषणाएं भी की हैं। दरअसल ये वोटर बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है। लोकसभा चुनाव में इन वोटरों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन करने के बावजूद बीजेपी अपनी पुरानी जीत को बरकरार रख पाई। वहीं कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें मिल गई, यानी कांग्रेस ने बीजेपी को बराबर की सीटें हासिल करके अपनी दावेदारी को मजबूत कर ली। लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए उत्साहजनक रहे। पार्टी एक दशक बाद राज्य की 10 में से 5 सीटें जीती। हालांकि नतीजे के बाद से ही पार्टी में गुटबाजी चरम पर है।
एक तरफ शैलजा गुट है तो दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा गुट। पार्टी के भीतर की गुटबाजी से निपटना एक बड़ी चुनौती है। गुटबाजी के कारण कांग्रेस ने किसी को चेहरा बनाने से परहेज बरता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा के मतदाताओं ने उसकी उम्मीदों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस इसी उम्मीद के बलबूते बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा इस चुनाव में रीजनल पार्टियां भी हैं और उसका अपना जनाधार भी है। छोटे दल अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है और उसकी मौजूदगी का भी नतीजों पर असर पड़ना तय है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इस बार राज्य में अपने लिए बड़ी संभावनाएं तलाश रही है और खास बात यह है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। हमारा कार्यकर्ता तो दिन रात और हमेशा तैयार रहता है, चुनाव कभी आ जाए। चुनाव आया है इसका मैं स्वागत करता हूं और हम इस चुनाव में सफल होंगे। इन कांग्रेस के इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पिसी, जिस प्रकार का धींगा मस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखें। चुनाव को चुनाव के नाते से लेना चाहिए, चुनाव को ऐसा नहीं है कि चुनाव को बहुत आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि आमने सामने जब दो प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनको अपनी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करते। करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहाँ पर रहे, झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। हरियाणा में अलग अलग समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां जुटी हैं। वोटों के हिसाब से अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का अपना समीकरण है और उसमें किसी तरह की कोई सेंध ना लगे इसकी कोशिश हो रही है। रीजनल पार्टीज भी इस पर फोकस रखी हुई हैं और मिलकर चुनावी नतीजों के समीकरणों को बदलने की फिराक में है। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के अंदर 27% जाट हैं और इसके अलावा अन्य जातियां हैं। ये भी गौरतलब है कि प्रदेश में 27 साल तक नॉन जाट मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज रहे हैं और इसी सोशल इंजीनियरिंग के चलते भारतीय जनता पार्टी 2019 में सत्ता पर काबिज हुई थी। क्या है समीकरण? विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही बसपा और इनोला ने चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा कर दी है। बसपा को राज्य के कुछ क्षेत्रों के दलित मतदाताओं में तो इनेलो का कुछ क्षेत्र की जाट बिरादरी पर असर है। कांग्रेस की रणनीति इन दोनों वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की है। ऐसे में अगर इनेलो बसपा गठबंधन ने कमाल दिखाया तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। राज्य में वोटरों का हिसाब किताब कुछ इस तरह का है। जाट मतदाताओं की संख्या 22% तो दलितों की संख्या 21% के करीब है। ओबीसी 30% के साथ अहम रोल में है। ब्राह्मण 8%, वैश्य 5, पंजाबी 8 और राजपूत 3.5% के करीब है। आम चुनाव में वोट शेयर में बड़ा उलटफेर दर्ज हुआ था। इस पर बीजेपी का वोट शेयर 46.06% रहा था। 2019 में वोट शेयर 58% था। 5 साल में वोट परसेंट में ये 11.06% की गिरावट रही। वही कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 28.42% के मुकाबले बढ़कर 43.73% हो गया। 5 साल में कांग्रेस का वोट शेयर 15.31% बढ़ा। आम चुनाव के नतीजे उलटफेर वाले रहे हैं, इस लिहाज से इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से वोटरों को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर अमल कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला रहेगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अकेले मैदान में है, वहीं इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनकर हिस्सा ले रही हैं। बसपा राज की 37 तो इनेलो
53 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछले चुनाव में जेजेपी 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बनकर उभरी थी। जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अब तक नहीं की है। जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला देवीलाल की विरासत पर खड़े उतरने में सफल रहे थे। हालांकि बीजेपी से गठबंधन टूटने की वजह से पार्टी में अंतर विरोध चरम पर है। वहीं इनेलो पिछले चुनाव में अपना असर छोड़ने में असफल रही है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने अभी भी किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अब इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटती है उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में यह फैसला किया कि ना केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े। तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है, तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम ना ही सारी खाली चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में 2014 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर कांग्रेस की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। 2019 में भी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई, मगर इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को बराबरी के स्तर पर टक्कर दी और इस वजह से कांग्रेस के हौसले सातवें आसमान पर हैं। बीजेपी कांग्रेस से मिली इस टक्कर के बाद सतर्क है और वो इस बार विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टियों की चुनावी तैयारी। केंद्रीय राजनीति में मोदी युग के आगाज के साथ ही हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की सियासी जमीन को काफी हद तक कमजोर कर दी है। 2014 में बीजेपी ने विधानसभा की 90 में से 47 सीटें जीतकर अकेले बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई, लेकिन जेजेपी के 10 विधायकों को साथ लेकर फिर सरकार बना ली। हरियाणा में लगातार दो टर्म से बीजेपी सत्ता में है और इस बार बीजेपी के पास हैट्रिक लगाने का मौका है। आम चुनाव में जो वोट शेयर में गिरावट दर्ज हुई है उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है, लिहाजा बीजेपी इस बार अपनी खास रणनीति पर अमल कर रही है। उसने इसके लिए 17 रिजर्व सीटों से शुरुआत की, जहां जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किए जा चुके हैं, जिसमें दलितों को केंद्र राज्य की स्कीमें बताकर उन्हें सुझाव लेकर नई राज्य सरकार से लागू कराने का भरोसा दिया जा रहा है। चूंकि इसकी अगुवाई खट्टर कर रहे हैं, इसलिए उनके करीबी चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कटारिया खुद भी दलित वर्ग से ही हैं। बीजेपी ग्राउंड पर सभी 90 सीटों का चुनावी सर्वे करवा चुकी है। बीजेपी के पर्यवेक्षकों की टीम चुनावी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ग्राउंड पर वेरिफिकेशन भी कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम भी तय किया जा चुका है। राज्य में 21% दलित वोटर हैं, 17 सीटें दलित वर्ग के लिए रिजर्व हैं। ऐसे में बीजेपी का सीधा निशाना यही सीटें हैं। इसके अलावा 35 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटरों का प्रभाव है। अगर वे किसी एक पार्टी के हक में हो जाएं, तो फिर उनकी सीट जीतनी तय है। बीजेपी करीब एक महीने से ही चुनावी मोड पर काम कर रही है, लेकिन उसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि चुनाव आयोग अचानक चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मामले में लगातार अपनी तैयारियों में जुटी है। राज्य की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए जा चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शिलजा और रणदीप सुरजेवाला रैलियां कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा रथ पर सवार होने को तैयार हैं। कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियों का आयोजन करने वाली है। इस क्लेम करने से कुछ नहीं है, आखिर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दूर किया अपने से, उन्होंने एससी समाज को दूर किया, उन्होंने बहुत से ऐसे
केवल एक मुख्य समाज को छोड़कर के बाकी सबको लोगों को दूर रखा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की जातिगत राजनीति उन्होंने उस समय की, ऐसी जातिगत राजनीति से हरियाणा की जनता ऊपर उठ के सोचेगी, क्योंकि हमने जैसे 2014 में हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात कही थी, वही हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात दोबारा कहते हैं, और हमने 3C को समाप्त करने की बात कही थी, उसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासन करती है, ये हमारा प्रचार पहले था, ये हमारा प्रचार अब है। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें, ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं। हरियाणा चुनाव का सियासी माहौल बदला है, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी इसका माकूल जवाब देकर मतदाताओं के मूड को बदलने की रणनीति पर अमल कर रही है। राजनीतिक घमासान के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव करण बेहद मुश्किल हो गया है। हरियाणा का मुश्किल रण। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। राज्य के बदले सियासी समीकरण के बीच खुद को साबित करना किसी के लिए आसान साबित होने वाला नहीं है। कांग्रेस एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण छीनने और संविधान बदलने का प्रचार किया, जिसका हरियाणा के दलित वोटरों पर बड़ा असर पड़ा। यही वजह है कि वो बीजेपी से दूर हो गए। सम्मेलन के जरिए बीजेपी कोशिश करेगी कि कांग्रेस की बातों को झूठा साबित करे। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक में सामने आया कि जाट और दलित वोटर उनके खिलाफ एकजुट हो गए, जिस वजह से रोहतक और सिरसा जैसी सीटों पर 2.5 से 3.5 लाख वोटों से एक तरफा हार मिली। सोनीपत सीट महज 22,000 से हार गए। कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ हारते हारते बचे। बीजेपी के लिए इस समीकरण को तोड़ना जरूरी हो गया है, लिहाजा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं ले रही है। राज्य में सीटों के कराए गए सर्वे के मुताबिक एक एक सीट पर बीजेपी की नजर है और हरेक वर्ग के लोगों के वोटों के हिसाब से अपनी रणनीति को अमली जामा पहना रही है। हालांकि इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है और ये देखा जाना बाकी है कि बीजेपी कांग्रेस के हमलों और उसकी रणनीति से किस तरह से निपटती है। पूरी तैयारी है, 90 की 90 सीटों पर हल्का बॉडीज बन चुकी है और अच्छा काम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगामी 42 दिन में करेंगे और आगामी 42 दिन आगामी 5 साल का हरियाणा का भविष्य सुनहरा लिखने का काम। पार्टी के बैक जाते, ये तो पहले भी गए हुए लोग, लोकसभा के अंदर भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करी थी, हमने निरंतर एक्शन भी लिया है, स्पीकर के पास सुनवाई भी पेंडिंग है। और तो और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने भी जिंदगी में बहुत लोगों को अच्छे पायदान पर पहुँचाया और बहुत लोग उनको छोड़कर गए, मगर वो मायूस नहीं हुए। हमें भी एक ही दिशा है कि और मेहनत करेंगे, नए साथियों को अवसर देंगे और नए साथियों को भी इसी मुकाम पर लाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और जननायक जनता पार्टी की चाबी ही विधानसभा का ताला। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में दो खेमे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। एक खेमा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा खेमा शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है, लेकिन अंदरूनी कलेश है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पार्टी का चुनावी समीकरण बिगड़ जाए। कैमरामैन रमेश राय के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। हरियाणा में इस बार सियासी घमासान चरम पर है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़त लेने की होड़ है, तो रीजनल पार्टियों के लिए अपनी पार्टी की साख को बचाने का चैलेंज है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा के मतदाताओं का फैसला क्या होता है, बीजेपी नतीजों को अपने हक में कर पाती है या फिर कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में सफल होती है। इस पर सभी की नजर टिकी रहेंगी।
हरियाणा रहा नहीं आसान के हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।